नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। भारत के इतने प्रसिद्ध गुरु जो कि हिमाचलों में पहाड़ों में बैठ करके इतने बड़े बड़े शक्ति पीठों पर बैठे हैं, जो बहुत बड़े बड़े शक्ति पीठ बना करके बैठे हैं, ना जाने कितने प्रकार के गले में उन्होंने यंत्र धारण किए हुए हैं, तरह तरह के वस्त्र वेशभूषा, हजारों उनके शिष्य महात्मा बुद्ध की तरह ड्रेसअप बनाना या कुछ भी करना और उसके बाद शिष्यों को कुपात्र कहना, उन्हें कहना कि तुम कुपात्र हो, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। ऐसा ही एक्सपीरियंस मेरे बहुत सारे साधकों को हुआ जब वो भारत के एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ में जाकर के किसी दीक्षा को ग्रहण करने की गुरु से आग्रह करते हैं। पहले तो गुरु को कॉल करते हैं, गुरु कॉल ही नहीं उठाते हैं, उनके शिष्य उठाते हैं, और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद भी गुरु से बात नहीं होती। वहां पर 50-50 लोगों की टीम बैठ करके गुरु बन करके बात करती है। तो ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार किसी साधना के रहस्य को जानेंगे? बड़े बड़े वीडियोस बनाना और कई कई मिलियन व्यूज पाने वाले गुरु भी अगर ऐसे जवाब देंगे, तो ऐसा ही भारत के किसी गुरु ने किया। और एक दो नहीं, जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं, ये कभी भी डायरेक्ट साधक से बात नहीं करते। उनकी जो साधना के प्रति विशेष जिज्ञासा होती है, वो उसके बारे में उसको शांत नहीं करते। मैं कहता हूं अगर आप समय उनसे मांगते हैं, अगर वो पैसे भी चार्ज करते हैं, तो भी कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट साधक अगर बात करना चाहता है, तो जिस गुरु ने उसकी साधना की है, जिसके पास उसका कोई दिव्य अनुभव है, तो एटलीस्ट वो अपने साधक को बता सकता है। वीडियोज में केवल साधना के बारे में उसकी बढ़ाइयां करते रहना, किसी साधना को करने से क्या लाभ होना है या नुकसान होना है वो सब ना बताना, यानी कि अचंभे में रखना, उस साधना की सीक्रेट को ना बताना, उसकी सच्चाई, उस साधना से क्या लाभ होना है, किसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, किसी को संसारिक खुशी की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इस तरीके से अपनी बातों में साधक को कंफ्यूज रखने वाले जो गुरु हैं, ये कभी भी आपका कल्याण नहीं कर सकते। मुझे नाम लेते हुए बड़ा दुख होता है, मगर YouTube है, यहाँ पर बहुत सारे प्रतिबंध हैं कि किसी भी ऐसे गुरु का नाम नहीं लिया जा सकता और नहीं लेना भी चाहिए। मगर फिर भी अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है, तो मेरे WhatsApp पे कॉन्टेक्ट करके इस गुरु का नाम मुझसे पूछिएगा। मैं आपको उनका वीडियो दे दूंगा जिसमें उन्होंने इस प्रकार कहा कि साधक कुपात्र है, उसे कुंडलिनी की दीक्षा नहीं दी जा सकती। दीन से दीन व्यक्ति भी हो, कितना भी परेशान से परेशान व्यक्ति हो, कितने भी कुकर्म करने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए भी कुंडलिनी साधना होती है। कुंडलिनी का मतलब क्या है? जो व्यक्ति नीच कर्म में गिरा है, उसी को तो अपनी शक्ति को जागरण करना है, तभी तो वो अपनी इंद्रियों के जो विषय विकार है उनसे मुक्त होगा। एक अच्छा व्यक्ति है जो मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, उसे कुंडलिनी साधना करने की क्या आवश्यकता है? उसका जीवन तो पहले ही बहुत अच्छा चल रहा है। कुंडलिनी साधना तो ऐसे व्यक्तियों को करनी है जिसका अपनी इंद्रियों पर और अपने मन पर वश नहीं है, जो ग्रहों के कारण, राहु केतु शनि इस प्रकार के जो पाप ग्रहों के दोषों के कारण जिसके जीवन में कुछ उन्नति नहीं हो रही है, उसको कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं हो रहा है, केवल ऐसे लोगों के लिए तो कुंडलिनी साधना। और गुरु ही कहे कि कुपात्र कौन और सुपात्र कौन। यहाँ कोई कुपात्र नहीं होता, सभी सुपात्र होते हैं। भगवान के मंदिर में आने के लिए कोई कुपात्र नहीं, कितना भी बुरे से बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान कभी किसी से नफरत नहीं करते, और ना ही माँ आद्य शक्ति की जो साधना है वो किसी से भेदभाव करती है। हमारे यहाँ पर जो भी गुरु होते हैं, जब किसी गलत इंसान को जब दीक्षा देनी होती है, उसके कर्म अपने ऊपर धारण करने की शक्ति जिस गुरु में नहीं है, तो दीक्षा क्या देगा? जब गुरु दीक्षा देता है, तो साधक के सारे कर्म उसके ऊपर आते हैं, उसको लेने पड़ते हैं। यही तो समस्या है, जब गुरु साधक ही नहीं है, गुरु साधना ही नहीं करता, उसके अंदर इतनी अग्नि नहीं है उसकी ऊर्जा को भस्म करने की, उसके दुखों को अपने ऊपर ले सकने की। जो चीज किसी साधक ने भुगतनी है, वो गुरु भुगत रहा है वो कष्ट। तो इस तरीके से उसको बर्नआउट करने की जिस गुरु में शक्ति नहीं, तो उससे क्या दीक्षा लेकर के लाभ होने वाला है? कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। और जो आपको साफ YouTube पर आपको कुपात्र कहता है कि आप कुपात्र हो, आप दीक्षा के योग्य नहीं हो, तो उससे क्या आप दीक्षा, क्या उससे आप ज्ञान जो है अर्जित करने की सोच सकते? क्या महसूस करोगे कि ऐसा गुरु आपको कोई दिव्य ज्ञान दे सकता? जो परेशान है, हताश है अपने जीवन से, उसी के लिए तो भगवान का मार्ग है। जब वो सारी दुनिया से जब अपनी उम्मीद खो देता है, वही इंसान तो ईश्वर के रास्ते पे चलता है।
उसी को तो ईश्वर की जरूरत है एक्चुअली में, और उसी को अगर हम कुपात्र कह करके बता देंगे तो उसे कभी कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। मेरे साथ जब मैं दीक्षा लेना चाहता था, मैं ऐसे बहुत सारे गुरुओं के पास जाता था, तो वहां पर जो है मुझे इस तरीके की बातें सुनने को मिलती थी। वो पूछते थे नॉन वेज खाते हो, मैं कहता था खाता हूँ, ड्रिंक करते हो, मैं कहता करता हूँ, स्मोकिंग करते हो, मैं कहता करता हूँ, मगर परमात्मा भी चाहिए भैया, तो क्या करोगे? क्या अगर मैं ड्रिंक करता हूँ या नॉन वेज खाता हूँ तो क्या मुझे ईश्वर की प्राप्ति का अधिकार नहीं है? क्या ऐसी कोई साधना है? अगर किसी साधना में ऐसा बल हो जो मन के इन विकारों से मुक्त करे तो वो एक्चुअल साधना है, जो मन को शांत करे। क्या साधक जब इस चीज को जब साधना करता है तब जानता है कि साधना से मन शांत नहीं होता, साधना से तो मन जागृत हो जाता है, मन और प्रचंड ऊर्जा प्रकट करता है, क्योंकि उसका अब वो मोक्ष की तरफ चल दिया, यानी कि वो अब अपने शरीर से ही परे चल दिया, यानी कि अब वो उसकी लास्ट जर्नी है। इस जीवन में वो क्या क्या पाना चाहता है, क्या क्या भोगना चाहता है, वो सब जी करके जाएगा, तभी वो दोबारा इस संसार में किसी भी विषय विकार, किसी भी वस्तु, किसी भी तरह के भोग के प्रति वो आकर्षित नहीं होना चाहता। मोक्ष का मतलब क्या है? कि उसके मोह का क्षय हो जाए तो वही तो मोक्ष है। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, मोक्ष का मतलब यह है कि मोह खत्म हो जाए। अगर किसी का जीवन में किसी से मोह है, किसी से प्रेम है, उसको किसी वस्तु से प्रेम है, किसी तरह से किसी भी चीज से प्रति उसकी उसके हृदय उससे जुड़ा हुआ है, तो जब तक वो जिएगा नहीं तब तक वो उसके साथ जन्म उसका होता रहेगा। वो बार बार प्रकृति जब तक वो कर्मों का संयोग उसका खत्म नहीं होगा तब तक वो जन्म होता रहेगा। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे कई जन्म हो चुके हैं। जिसने इसका अनुभव किया है, जिसने अपनी पास्ट लाइफ देखी है, वो क्लियर आपको बता देगा, एक सेकंड में बता देगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि गुरु जिस साधना को करता है, जिसने उसने किया है, उसे कोई अधिकार नहीं किसी भी साधक को कुपात्र कहने का, क्योंकि यहाँ पर सभी कुपात्र हैं। जब गुरु गुरु बनाए तो वो भी तो कभी वो बुरे कर्मों से होकर के निकल गया। क्या उसने कभी जिंदगी में कोई बुरा कर्म नहीं किया? क्या उसे ईश्वर की प्राप्ति, जो एक नॉर्मल इंसान है, जो बेचारा वो कहीं फंसा, उसे पता ही नहीं है कि भगवान क्या है, योग क्या है, साधना क्या है, हमारे चक्रास क्या है, हमारी कुंडलिनी क्या है, इन लोगों को पता ही नहीं बेचारों को, तो क्या उन्हें अधिकार नहीं है ईश्वर की प्राप्ति का? सभी को है। जो गुरु आपको कुपात्र कहे उससे आपको सावधान रहना है, और हमेशा सोचिए कि हम तो प्रभु किसी लायक नहीं, तुम ही लायक हो, तुम ही हमें साधना के मार्ग पर चलाना है, और हर व्यक्ति सक्षम है कुंडलिनी जागरण करने के लिए। और महिलाओं को एक विशेष समस्या रहती है, महिलाएं कहती हैं कि भैया हमें सारे गुरु कहते हैं कि महिलाओं की तो कुंडलिनी जागृति नहीं होती। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। बहुत सारी महिलाओं के मेरे पास ये मैसेज आते हैं कि गुरु जी क्या हमारी कुंडलिनी होती नहीं, ये किसने कह दिया कि उनकी कुंडलिनी होती? कहते हैं उनको किसी और प्रकार से प्राप्ति होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भीतर का कुछ चेंज होता हो तो पता नहीं, मेरे को महिला के शरीर का अनुभव नहीं है, मगर मेरी पहली गुरु ही महिला थी जिसने मुझे कुंडलिनी की दीक्षा दी। पहली गुरु ही महिला थी, उसी ने मुझे अध्यात्म का ज्ञान दिया, मुझसे गहरी समाधि में वो रहती थी, वो उसको तो प्रत्यक्ष अनुभव है कुंडलिनी का। जिसे महिला को अगर उसकी अगर कुंडलिनी ही नहीं होती तो कैसे जागृत नहीं होती? कुंडलिनी तो ब्रह्म सत्य है, पूरे संसार के लिए एक ही है। ऐसा कहीं नहीं है कि महिलाओं के अंदर कुंडलिनी जागृत नहीं होती। ये जो भी गुरु आपको इस प्रकार के ज्ञान देते हैं ना, बड़े बड़े मिलियन व्यूज वाले गुरु ऐसे बोल रहे हैं आजकल, तो ये उनको नहीं है उस चीज का अनुभव, टका का भी अनुभव नहीं है उनको। जिनको धैर्य की नॉलेज नहीं है वो इस प्रकार की आपको बातें कर, उन्होंने साधना की ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ एक यूट्यूबर है, उन्होंने कभी मेहनत नहीं करके देखी इस रास्ते पर, नहीं तो वो कभी किसी महिला को साधना करने के लिए मना नहीं कर सकते। और बहुत सारी महिलाएं मेरे से पूछती हैं कि जब उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड आता है, जो उनकी जो जो मेंसेस जो महिलाओं को आती है, तो उस वक्त क्या हम साधना नहीं कर सकते? मैं कहता हूँ 101% साधना कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। भगवान को याद करने के लिए, भगवान ने जो चीज आपके लिए नेचुरली आपके अंदर आपके शरीर के अंदर रखी है वो प्रकृति है, तो उस वक्त क्या ध्यान के ध्यान का उसके साथ कोई मतलब ही नहीं है, ध्यान का उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो इसके ऊपर साधना उस टाइम में। बस आपको जो है उस वक्त पे देवताओं की मूर्तियों को नहीं छूना, और किसी भी प्रकार की जो सामग्री है वो भगवान के शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी होती, किसी भी देवता की मूर्ति पर नहीं अर्पित करना होता, मंदिर में प्रवेश नहीं करना होता। ये जो परहेज है ये भी इसलिए रखे हुए हैं कि भगवान की जो शुद्धता है वो बनी रहे, मात्र इसका रीजन सिर्फ इतना ही है। साधना आप अपने घर में अपने बेडरूम में बैठ के अपना आराम से ध्यान लगाओ, कोई इशू नहीं है ऐसा।
आप मंत्र जप करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसका सारा दोष मैं लेता हूँ। अगर कोई कहता है इसका कोई दोष आता हो किसी महिला को, अब मेरे को आप संकल्प कर दो कि स्वामी जी ने बोला था, गुरु जी ने ये बात बोली थी कि वो मैं उसका पाप लूंगा, मैं लेता हूँ उसका पाप। भगवान का नाम लेने में कैसा पाप हो सकता है मेरे भाई मेरी बहनों? ऐसा कुछ भी नहीं। कभी भी ऐसा टाइम हो आप बेचिंत होकर के साधना करो। जितने भी यूट्यूबर गुरु आपको इस तरीके से कोई बात बोलते हैं तो आपको क्लियरली इस बात को ध्यान रखना है, इस टाइम में कुछ भी परहेज नहीं है सिवाय मंदिर में जाने के, मंदिर में ज्योत आराधना बत्ती करने के, और जो भी किसी वस्तु आप देवी देवताओं को चढ़ाते हो वो सब चीजें उस टाइम में नहीं करनी। साधना मंत्र जाप आप जरूर कर सकते हो, अपनी सिद्ध माला है आपकी, जाप आप करते हो उस माला को भी आपने नहीं छूना, किसी भी आध्यात्मिक सामग्री को आपको छूना नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। मगर मंत्र जाप आपके भीतर की साधना है, जो भी कुंडलिनी की साधना है या चक्रों की साधना है या किसी भी प्रकार की किसी भी देवता की साधना है, किसी की भी साधना है, इवन मोक्ष की भी कोई साधना है, तो भी कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भगवान ने गीता में ये सारी चीजें बता रखी हैं, आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। ये तो वीडियो बनाने पड़ते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन कम से कम 50 बार आ गया मेरे पास ये वाला। तो बहुत लेडीज ने मुझे बोला भैया कि आप प्लीज एक बार बना दो ना इसके ऊपर पूरा डिटेल करके। तो मैंने उनको सबको बोल दिया कि बहन आप बेचिंत हो के आप करो, कोई टेंशन ही नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल बेझिझक हो के आप मंत्र जाप करो, अपनी साधना करो, किसी भी शक्ति का, किसी भी गुरु का, किसी भी देवता का वाहन करो, क्योंकि आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई चीज छू नहीं सकती, कोई चीज जला कटा उसको नहीं सकती, ना उसे बिगाया जा सकता है, ये भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया है। तो फिर आपकी कोई भी चीज है वो परमात्मा को छू ही नहीं सकती है, आपका मंत्र जाप उसको छू ही नहीं सकता। मगर जो भक्ति मार्ग में है, जहां पर हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हम किसी मूर्ति में जब कर देते हैं तो वो प्राण उस शरीर के अंदर है, वो एक शरीर हो गया, वहां पर फिर हम उसको हम नहीं छू सकते, ये उसके परहेज हमारे सनातन धर्म में दिए गए हैं, तो उसको हमें निभाना पड़ेगा। और 4-5 दिन की बात होती है तो कौन सा फर्क पड़ता है। अब जैसे किसी का कोई 43 दिन की साधना है, 43 दिन की कोई चीज है करने को, कोई उपाय दिया जाता है, तो 43 दिन में तो वो 5-6 दिन आने ही आने, वो तो आपको करना है, नहीं तो फिर आप कभी कोई उपाय नहीं कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में भी इसका कोई विधान नहीं है और ना ही हमारे सनातन धर्म में। तो बिल्कुल बेचिंत होकर के साधना करो और कभी भी अपने आप को किसी साधना के लिए कुपात्र मानना पड़े। मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार।